साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। और आज हमारे बीच में हैं साहित्य की जमी पर नवोदभिद कह लें कवयित्री के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रही मीशा भारती। बहुत बहुत स्वागत है मीशा। सबसे पहले तो मीशा से मैं जानना चाहता हूँ कि साहित्य की जो डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, गद्य पद्य, तो मीशा को क्या पसंद है, अपनी अनुभूति को, अपने जो भाव हैं इसको मीशा किस रूप में पद्यात्मक शैली देना पसंद ज़्यादा करती है या गद्यात्मक पद्य कविता कहानी में से किसको चुनती हैं अपनी भाव को व्यक्त करने के लिए? सर, मुझे जो भी अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट जब ये लिखना शुरू किया था तो मैं पहले इसको एक शीर्षक के रूप में कोई भी शीर्षक लेती थी और उस पर लिख देती थी। फिर धीरे धीरे उसको मैंने छोटा किया, फिर अरे इसको छोटा सा करके और उसमें जो मेरा मतलब निकल रहा है वो उतना ही रहना चाहिए लेकिन उसको छोटे में। तो आपको ऐसा लगा कि तब वो कहानी से थोड़ा कविता की ओर ले जाए, यानी आपने जब शुरुआत किया तो ऐसा लगा कि चलो भाई लिखते हैं, फिर हाँ। आपने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि थोड़ा छोटा हो लेकिन अर्थ अधिक हो और अधिक भी बता दें। कई बार क्या होता है जब हम विशेष अर्थ यानी लंबी लंबी बात लिखते हैं तो हमें पढ़ने वालों को अपने से ज़्यादा अर्थ निकालने के लिए नहीं बन पाता है, लेकिन जब हम छोटी बातों को लिखते हैं तो पढ़ने वाले भी उसे एक अपना अर्थ दे देते हैं और शायद बहुत बार ऐसा होता है आप जिस अर्थ से सोचते हैं उसे ज़्यादा अर्थ उसको देते हैं। सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक कविता जो कि मेरे मन में जो चल रहा था वो समझ में लिखा, लेकिन उसको जब मैंने सामने वाले को सुनाया तो उसने कुछ और अर्थ निकाली। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि उससे दो बार मतलब उसका दो अर्थ निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कहा गया है कि रचनाकार उसका मालिक तब तक ही है जब तक उसने पाठकों को परोस नहीं दिया है। तो चलिए, हमें सुनने वालों को आपने जब कविता लिखना शुरू किया होगा तो मीशा की कुछ ना कुछ तो अपनी खास अब तक जो रचना रची है उसमें से कुछ ऐसी जिसको लगता है कि ये मीशा की वो रचना है, कल मीशा की ख्याति बहुत हो जाए लेकिन वो रचना जिसको कि हर मंच से वो पढ़ना चाहेगी, चाहे वो मंच किसी तरीके का हो, सोशल मीडिया का मंच हो या फिर सीधे सर। वो कविता थोड़ा सा लंबा है क्योंकि वो ऐसा है कि पहला कविता मेरा ऐसा था कि जो मैं पहले लिखती थी तो मेरे पिता ने मुझे एक शीर्षक दिया था, एक बताया गया था कि ऐसा ऐसा कहानी है, वो कहानी के रूप में हमको बताया था, उसको मुझे कविता के रूप में लिखना था। यानी लंबी कविता को थोड़ा सा चंद पंक्तियाँ हमारे हमें सुनाने की कोशिश करें। तो वो ऐसा था कि मैं चाहूँगा क्या कि इस लंबी कविता की उन पंक्तियों को आप सुना दें जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहले तो शीर्षक सहित आप सुनाएंगे। तो वो था माँ की बेबसी बेटा कंधा तक ना दे सका। मेरे पिता ने माँ की बेबसी है, बेटा का कंधा भी नहीं मिल पाया, बेटा कंधा तक ना दे सका, वही कंधा नहीं मिल पाया उसका। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ऐसा कहानी ऐसा हो चुका है हमारे समाज में, जब अभी बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो विदेश चले जाता है और वहाँ से माँ बाप का फोन जाता है कि मेरा ऐसा है, तबीयत खराब है, वो है, तो वो नहीं आ पाते उस समय पर बाद में। तो ऐसा हुआ था कि माँ का बहुत तबीयत खराब था, बेटा नहीं आ पाया, उसको इतना बिजी था वो अपने काम में कि नहीं आ पाया। फिर माँ का डेथ भी हो गया, माँ मर भी गई लेकिन फिर भी नहीं आ पाया और उसको कंधा देने के लिए भी वो नहीं आ पाया, उसका एकलौता वही बेटा था। दर्द छिपा है क्योंकि विकास की वो क्या बात है। और उन माँ बाप के साथ जो उनका नौकर जो बचपन से रहता था वो उनका सेवा किया और बेटा के रूप में वो उस समय काम आया। तो इसी वक्त उसी पर पिता बोलते हैं कि जब बेटा बोलता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, माँ भी मर गई, आप चलिए मेरे साथ, तो उस समय बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ बेचने वाला भी नहीं हूँ, अब मेरा बेटा वही है जो मेरे साथ रहा हमेशा से, मतलब नौकर को अपना बेटा माना लेती है, जिसे अपने उधर से जन्म दिया उसको पराया कर दिया और जिसने उनकी सेवा की। जी, इस प्रकार की बेबसी कैसी जी। तो लिखे थे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं और वही बच्चे अपने माँ बाप को हालात के हवाले छोड़ जाते। वाह क्या बात है, हालात के हवाले। इसी पे पिता अपने बेटे से कहते हैं आज तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी, हम हमेशा रहे तुम्हारे साथ में, आज हमें तुम्हारी जरूरत है तो तू बैठा है किसी और की आस में। उस समय तो वो अपने बेटे को ही मानते थे, तो उस समय वो बेटा बोला कि आपके साथ तो वो नौकर है ना, उस समय आपका ख्याल रखेगा, अभी मुझे काम है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम नौकर पे मुझे छोड़ के गया है। कभी यानी तुम मैं महसूस किया था तुम मेरी लाठी बनोगे, सहारा तुम बनोगे, और आज तुमने मुझे किराए पे लगा, तुम्हें मैंने तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ाया और उसमें तुम इतने खो गए कि तुम माँ बाप को नहीं देख पाए, जमीन ही भूल गए, जड़ से रिश्ता तोड़ दिया। जी, तो उसके बाद बोलते हैं, जिसके मुंह से हमेशा दुआ निकली तेरी सलामती के लिए और तूने पीछे मुड़कर देखे बिना ही चला गया अपने स्वार्थ के लिए। वाह क्या बात, जरा सा तो गौर फरमा, चाहे तो घूमा सारा जहां, हताश दिखोगे पर कहीं ना मिलेगी माँ की गोद सी समा, पिता के प्यार की निशा। वाह क्या बात, ना माँ की गोद मिलने वाली है और ना प्यार मिलने वाला है पिता का। जी, चाहे आपके जिंदगी में कितने भी दोस्त आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, जो तरक्कियां आप प्राप्त कर लें। जी, उसके बाद बोलते हैं, माता पिता अपने बच्चों को पौधों से पेड़ बनाते हैं इस उम्मीद में कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन जब इसी उम्मीद को तोड़ उनके जनाजे को कंधा देने को भी छोड़ जाते हैं किसी और के सहारे, तब पिता कहते हैं, ऐसी भी क्या लाचारता कि तू माँ को कंधा देने तक ना आ सका, अगर ऐसा ही था तो भगवान ने तुझे हमारे पास ही क्यों भेजा। वाह क्या बात, तो फिर मैंने बताया कि बेटा बोलता है कि यहाँ तो अब कुछ नहीं है, आप ये सब बेच के हमारे साथ चलो। तब पिता बोलते हैं, जो अपनी माँ का साथ नहीं दे पाया उसके आखिरी समय में, वो कहता है अब मेरे साथ आप भी शहर चलो, ये सब बेच के यहाँ कुछ नहीं बचा। ये कहना तेरे लिए आसान है, लेकिन मेरी तो पूरी दुनिया ही यही है, मैं कैसे मुँह मोड़ लूं उन सभी से जिसने हमारा साथ निभाया। जो अपनी माँ के जनाजे तक में शामिल ना हो सका, वो आज मुझे अपनी खोखली दुनिया में मेरी मातृभूमि से दूर क्या शामिल करेगा। अरे लालत है ऐसी औलाद पर जो पैसों के लिए माँ बाप को भुला दे, जो अपनी जमीर के साथ साथ अपनी आत्मा तक को बेच दे। जा, कल तूने एक इतिहास बना डाला, आज मैं एक इतिहास बनाऊंगा, आज के बाद अपनी जिंदगी से तेरा नामो निशा मिटा डालूंगा। कि वो बाप जो पिता थे वो अपने बेटे को बोलते हैं कि आज से तू मेरा कुछ नहीं लगता, जा तू अपना काम कर, वहीं तुम्हारी माँ बाप सब वहीं हैं, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। आज जो मेरा नौकर जो मेरे साथ था हमेशा, वो मेरा बेटा बन के रहेगा, उसके नाम मैं सब कुछ कर दूंगा। तो इसी पे बोलते हैं पिता कि इस घर को अपनी जिंदगी में तो क्या मरने के बाद भी ना बिकने दूंगा, जिसने बुरे वक्त में भी मेरा साथ निभाया उसके नाम कर डालूंगा। फिर मिले कभी फुर्सत निकलने की पैसों के गुमान से, देख लेना ये हक तक ना रहेगा कि याद करो अपने हसीन पलों को भी शान से। निशा, आपने किस रूप में ये कविता लिखी है पता नहीं, लेकिन बगैर मैं नाम लिए बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में एक बेबस पिता की दशा मैं ऐसी देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ। सर, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये मैंने किस पे लिखा है क्या। मेरे पिता ने सुबह में, मतलब ऐसे ही डायरी पढ़ रहे थे, तो सुबह में आके बोले कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुमको ऐसा पोएम लिखना है। आज की है क्या? नहीं। अच्छा, ये जब मेरी स्टार्टिंग की पोएम है, सबसे पहली पोएम है। अच्छा, चलिए मिसा की जी तो स्टार्टिंग से बातें रही हैं। मिसा ने, मैं जब मिसा को सुना तो आपने एक बहुत सुंदर कविता बेटी पर जिससे आप जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बेटी की कविता आप जब लिख रही थी तो आपके अंदर कौन से भाव है, किस तरीके का चित्र बेटी का मिसा के मस्तिष्क में, मिसा के अंदिल में उभरता है जिसको मिसा चित्रित करने का प्रयास करती है कविता में। सर, तर्क करने का हमेशा से अच्छा लगा, जैसे सब बोलते थे कि आज ये हो रहा है तो बोले ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो भी बोलते थे उसके उल्टे में मैं सोच के बोलते थे ये क्यों नहीं हो रहा, उसका भी मुझे आंसर दो, तो ऐसे सब में मुझे चुप करा दिया जाता था, तुम बच्ची हो तुम क्या समझोगी ऐसा। कभी कभी ये भी कहा गया कि तुम बेटी हो? हाँ, ये भी कहा। हाँ, मेरे बच्ची के अलावा ये भी कहा गया तुम बेटी हो इसलिए। हाँ, अच्छा, नहीं ये इस बात पे नहीं बोला, नहीं मतलब किसी दूसरे बात। हाँ, मेरे परिवार ने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जैसे कुछ बोलने जाते तो बोलते थे अरे तुम बेटी हो तुमको यहाँ थोड़ी रहना है, तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुम चली जाओगी कहीं और चली जाओगी, ऐसा ऐसा बोल के कभी कभी। तो फिर वो सब टाइम ना ऐसा आता था कि आज कुछ लड़कियाँ हैं जो आगे जा रही है, जो आज पर्वत पे भी चढ़ जाती है, और कुछ लड़कियाँ जो है जिनको यहाँ जमीन पे भी नहीं रहने देती। आपको लग रहा है कि भरे गैप है?
बहुत बेटियों का एक अलग अलग वर्ग बन गया जी। और अभी भी समाज में ऐसा है कि मतलब एक बेटे के लिए बेटी को नकारा जाता है। यानी आपने जो महसूस किया जिस समाज को देखा है उसमें बंधी हुई बेटियां नजर आई है और अनेक तरह के बंधन आपको महसूस हुआ, इस पे आपने इसको लिख दिया। हमारे श्रोताओं को बेटी का और बेटी की कविता आप सुनाना सुनाइए। और मिशा इस माध्यम से आपके आपकी बताना चाह रही है कि बेटी का दो वर्ग अस्पष्ट दिख रहा है मिशा को। एक वर्ग ऐसा है जो आसमान की बुलंदियों पर बेटी परचम फहरा रही है अपने अपने समाज की, अपनी सफलता की, और दूसरी कई ऐसी बेटियां, ऐसा वर्ग भी मिसाल देख रही है जहां आज भी बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, बेरियों में जकड़ी बेटियां हैं। और अपने आप में यह एक बड़ी पीड़ा का विषय है मिसाल जी। देव से लेकर दानव तक, कभी दुर्गा ने तो कभी काली ने घोर तांडव मचाई है, कभी महिषासुर से कभी रक्त बीज से, सबों के कष्टों पीड़ा को जड़ से उखाड़ मिट्टी में मिलाई है। और देवों की बनाई उसी दुनिया ने स्त्रियों को अन्यास ही अत्याचार की अग्नि में डुबाई है, कभी सीता बन के कुल की लाज बचाने में, कभी द्रौपदी बनकर अपनी लाज बचाने में। सर बीच में ऐसा भी बात आया था कि पेपर में हर रोज़ पढ़ने को मिलता था कि दहेज के लिए बहुओं को जलाया गया, सास ने उन्हें प्रताड़ित किया, तो ये सब भी बात आता था कि आज आप एक औरत होती है जो अपना घर छोड़ के जाती है, वहाँ जाके उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए खुद को न्यौछावर करती है, लेकिन फिर भी वो परिवार उनको समझ नहीं पाता और उनको प्रताड़ित करता है, तब फिर क्या होगा सर? तो उसी सब को सोच के मैंने उनकी उस इस अनुभूति को, यानी उनके ऊपर जो बीत रहा होगा, इसको आपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की। सर कभी कभी तो ऐसा होता है, और मैंने सुना भी है बहुत लड़कियों से कि क्यों भगवान ने मुझे लड़की बना के भेजा, इतना फेस करना पड़ रहा है, काश मैं लड़का होता तो ऐसा नहीं होता। आपने ऐसा सुना है? हाँ सर सुना है बिल्कुल। तो जाने कितनी तकलीफें कितनी ठोकरें खाई है, ये हर बार ही फरेबी जग मांगे लड़कियों से बलिदान, फिर क्यों दिखावे के नवरात्र में करे नारी शक्ति का सम्मान। क्या बात, यानी नवरात्र में जो दुर्गा जी को बैठा लिया जाता है, और नवरात्र में दुर्गा जी बोलता है, लड़कियों को नौ लड़की को बुला के खाना खिलाया जाता है जी, दुर्गा जी, जी का उस समय उनका पैर भी छुया जाता है। वाह क्या बात है, नवरात्र में आप एक दिन के लिए उनको दुर्गा माँ बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहा जा रहा है कि अब आगे लात खाने के लिए आप तैयार है, मैं आज भर के एक दिन का काम जो कर रहा हूँ इसके लिए बाकी आपको लात, और दूसरे दिन उन्हीं लड़कियों को पता नहीं क्या किया जाता है जी जी। फिर कभी उनकी रूह से आत्मा छिनकर, कभी आत्मा से रूह को भिनकर, हर बार ही चाहे तोड़ना लड़कियों का अभिमान, गलती हो किसी की भी अरे तू चुप रह दूरी रह सबसे, क्यों ये समाज इन सब बातों से लड़कियों को बनाए लाचार। अजी बेटी जवान हो गई है, ध्यान रखिएगा आप तो बेटी के बाप है, कदम भी फूंक के रखिएगा। क्या बात, अरे कोई ये क्यों नहीं बोल पाता, जरा आप अपने बेटे को काबू में रखिएगा, लड़कियों से तहजीब से पेश आए ऐसी बुद्धि उसमें डालिए। वाह क्या बात, लड़कियों से तहजीब से पेश आए ऐसी बुद्धि डालिए जी। एक निवेदन है मिशा का अपने सुनने वालों को, पिता से और तमाम उन व्यक्तियों से जो बेटियों को केवल कहते हैं उनको कि आप अपने बेटे में तहजीब डालें। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जा रही है, रास्ते में किसी ने परेशान कर दिया, कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है, तो उस समय क्या बोलेंगे माँ बाप कि तुम दूर रहो ना, तुम रास्ता बदलो, चलो ना रास्ता बदलो, या कुछ बोलो ही मत, लेकिन नहीं तो छोड़ दो। हाँ उसके जगह अगर बेटों को बताया जाए कि तुम ऐसा क्यों करते हो रास्ते में, तुम्हारी भी बहन है, ऐसा नहीं करते हैं लोग, लड़कियों को बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं लड़कियों को, लड़के को क्यों? और एक बात मैं बताऊं, खास करके लड़कियों को बोलने वाली लड़की ही समुदाय की होती जी। यानी कहने का अभिप्राय उस समय भी आप देखिएगा कि लड़की को ये कहने कि तुम्हें बच के चलना चाहिए, तुझे रास्ते बदल लेना चाहिए, मम्मी बोलती है, मम्मी बोलती है। और तो जरा सा सोच लें, यानी वहाँ पर अपने बेटे को समझा पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अपनी बेटी को फिर वही जकड़ी बेरियों में जिनमें वो कभी बंधी थी उसमें उन्हें बांधने की कोशिश करती है जी। आगे आपको, हर बार ही उम्मीदें लड़कियों से ही क्यों, कभी लड़कों की तरह उन्हें भी खुलकर जीने दिया करो, लड़कों पर भी थोड़ी पाबंदी लगाओ और लड़कियों को उनके हिस्से की हकीकत दिखाया करो। वाह क्या बात, लड़कियों को उनके हिस्से की हकीकत दिखाया करो। सर लड़कियों को आज भी हमारे समाज में बस इतना बताया जाता है कि तुम 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जानी है,
और उसके बाद डीएलएड बीएड भी है? नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जोर देना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छा जब कहाँ जाएगी, उधर एक ट्रेनिंग शिक्षक वाला करवा देते हैं और अच्छा रहेगा, बगल में जो है सो जाके सो के चलिए। आपको घर में जाना है, वहाँ घर को संभालो ना, क्या जरूरी है, क्या जरूरत है, ऑनर सुनर्स पीजी सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको इसके जगह ये दिखाया जाए कि तुम शिक्षा प्राप्त करो, तुम भी आगे जा सकती हो, इन समाज को समझ सकती हो, इन समाज में होने वाली गलतियों को सुधार सकती हो, इसके बजाय अगर ये किया जाए तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जी, और मैं अपने श्रोताओं को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मीशा उन जिस समाज से इसको देख रही है उस समाज को लिखें। हो सकता है कि आप जब इसे सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है उस जो मीशा की नज़र जहाँ तक पहुँची है, और उस नज़र से जिसने इस दुनिया को देखा है परखा, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। और किसी समाज में बेटियों के उत्कृष्ट हो जाने से यह इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये हकीकत है जिसे बयां करने की कोशिश आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद मीशा आपको, और आप हमारे सुनने वाले को आपने अपनी स्वरचना सुनाई। मैं एक बार फिर से आपको साहित्य संगीत संसद में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और फिर से एक कभी आपको आमंत्रण जाए तो आप हमारे इस निवेदन को स्वीकारें। अगर हमारे श्रोताओं से कुछ अपील आपकी होगी तो आप रख सकती हैं। ये कविता पूरी हो गई आपकी? जी, कोई अपील अगर हमें सुनने वालों से? फिर अपील कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।